उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा की ऐसी सीट है जिसको लेकर काफी चर्चा है और बार बार इस सीट से उम्मीदवार भी बदला जा रहा है। वो सीट है कन्नौज लोकसभा सीट। पहले इस सीट को लेकर चर्चा थी कि यहां से अखिलेश यादव खुद मैदान में होंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि अखिलेश यादव यहां मैदान में नहीं उतरे और उनके जगह पर तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया, जो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी, यानी उनकी जो बेटी है राजलक्ष्मी उनके पति हैं। तेजस्वी यादव जैसे ही मैदान में उनको टिकट देकर उतारा गया तो उसके बाद ये साफ हो गया था कि यहाँ पर से अब सपा अपने उम्मीदवारों के जो लिस्ट जारी की है उसमें कोई बदलाव नहीं करेगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि कन्नौज लोकसभा सीट से तेजस्वी यादव का टिकट काट दिया गया है और फिर यहाँ से खुद सपा के प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में होंगे। सवाल ये उठा कि आखिर अखिलेश यादव को कन्नौज लोकसभा सीट पर क्यों उतरना पड़ा। दूसरा सवाल यह भी उठा कि आखिर क्या समीकरण बन रहा है जिसको लेकर अखिलेश यादव के मन में भी संशय है और वो खुद ही तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर गए। लेकिन इस तीनों सवाल का जवाब आपको एक एक कर बताएंगे। उससे पहले आपको यह समझने वाली बात यह है कि कन्नौज से तेज प्रताप यादव का टिकट काटना जरूरी क्यों है, इसी से समझते हैं। और इस बात को लेकर भी ज्यादा इसलिए चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। 24 अप्रैल को कन्नौज सीट से नॉमिनेशन भी दाखिल करने थे, लेकिन अब उनका नामांकन डल गया है। अब खबर है कि सपा की कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदला गया है और इत्र नगरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप की जगह अब अखिलेश यादव मैदान में हैं। महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। राम गोपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश 25 अप्रैल की दोपहर कन्नौज सीट से नामांकन करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर ये है कि 25 अप्रैल को अखिलेश यादव नामांकन वहां पर करेंगे। इस बात की जानकारी खुद सपा की तरफ से दी गई है। अब देख लीजिए कि सपा इससे पहले बदायूं, मेरठ और मुरादाबाद मिश्रिख गौतम बुद्ध नगर सीट से भी उम्मीदवार को बदल चुकी है। उसके बाद सवाल उठा कि आखिर ये बार बार अखिलेश यादव बदल रहे हैं सीट, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद ये बात आई कि तेज प्रताप को अगर वहां से उतारा गया, हटाया गया है मैदान में, तो फिर अखिलेश यादव कन्नौज से उतरे हैं तो तेज प्रताप यादव कहां से उतरेंगे। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव के भतीजे लगते थे तेज प्रताप यादव और उनका टिकट कट गया, उम्मीदवारी का ऐलान हो गया, उसके बाद भी उनके जगह पर अखिलेश यादव अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए खुद ही कन्नौज सीट पर उतरे हैं और वो खुद वहां पर चुनाव लड़ेंगे। अब इससे पहले रामपुर की कहानी भी समझ लीजिए। रामपुर की कहानी कहते हैं, स्थानीय नेताओं, स्थानीय जानकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इसी रिस्क के डर से कन्नौज लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये भी है कि यही वजह भी है, एक पहला वजह ये भी है कि तेज प्रताप यादव का टिकट क्यों काटना पड़ा कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर। अच्छा, अखिलेश यादव की दूसरी वजह ये भी है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है कन्नौज लोकसभा सीट को और यहां से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी सांसद रहे थे। डॉक्टर लोहिया 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कन्नौज सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे और इस सीट पर मुलायम परिवार का पुराना नाता रहा है। 1998 से सपा के टिकट पर प्रदीप यादव जीतते आ रहे थे। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते। मुलायम सिंह के सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश यादव जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक इस सीट से मुलायम परिवार के पास ही रही थी। 1998 से 2019 तक सपा के कब्जे में रही इस सीट को फिर से वापस पाने के लिए अखिलेश यादव ने, बेहतर विकल्प पार्टी के पास नहीं था कि अखिलेश के अलावा कोई और भी यहां से उतरी और यही वजह रही कि वहां पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का टिकट काटकर अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि आखिर इस सीट से किसी और को उतारा जाए और अखिलेश यादव खुद ना उतरे तो हो सकता है हार का सामना करना पड़े उन्हें। इस वजह से अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि ये अखिलेश यादव कहे, मुलायम सिंह यादव कहे या फिर यादव परिवार का गढ़ कहे, ये यूपी के कन्नौज लोकसभा सीट मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है और इसी वजह से इस सीट पर अखिलेश यादव कोई भी नया दाव नहीं खेलना चाहते हैं। अखिलेश यादव यहां पर उपचुनाव समेत 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और 2 फैक्टर भी काम आता है। एक तो मुलायम सिंह के साथ इमोशनल कार्ड भी जुड़ेगा, मुलायम सिंह का गढ़ है तो कन्नौज लोकसभा सीट,
दूसरा ये भी कि यहाँ पर MY फैक्टर भी काम करेगा, यहाँ पर मुस्लिम और यादव का समीकरण देखें तो इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, और इसी वजह से मुस्लिम यादव MY फैक्टर की वजह से भी अखिलेश यादव यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। 2-3 समीकरण को लेकर उनको जैसे मैदान में सपा की तरफ से उतारा जा रहा है। सबसे पहला तो आपने ये समझ लिया कि अखिलेश यादव किसी नए चेहरे पर दाव नहीं खेलना चाह रहे थे। दूसरी वजह ये भी है, इमोशनल कार्ड के जरिए वो ये जीत सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। और तीसरी वजह ये भी है कि MY फैक्टर वहाँ पर काम कर सकती है, मुस्लिम और उधर से यादव फैक्टर, और इसी फैक्टर के तहत PDA का जो फार्मूला है, नया फार्मूला, उसकी तरफ से वो चल दिया गया है और इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखने वाली बात दिलचस्प ये भी होगी कि इस क्षेत्र के जनसंख्या कन्नौज के जातीय समीकरण को समझें तो यहाँ पर 18 लाख मतदाता हैं, जिसमें 10 लाख पुरुष हैं और 10 लाख महिलाएं हैं, 16% मुस्लिम हैं और करीब करीब 15% ब्राह्मण मतदाता हैं, 10% राजपूत हैं, 39% अन्य जाति के वर्ग आते हैं, और सबसे बड़ा यहाँ पर जो दलित वोटर भी हैं। यही सब मिलकर एक सांसद को संसद तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, और इसी वजह से कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर नया ऐलान हो गया कि तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर अब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में अखिलेश यादव कितने दमदार यहाँ पर वर्चस्व दिखा पाते हैं और लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाते हैं, या फिर कोई नया चेहरा यहाँ से निकल कर सामने आता है। 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो इस सीट से ये भी परिणाम सामने आ जाएगा कि आखिर अखिलेश यादव का क्या कुछ होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।